अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सबला खान की तरफ से आप देख रहे हैं वाकियातुल अंबियात। और आज हम बात करेंगे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में। और इस वीडियो के आप एंड तक देखिएगा, चूँकि बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जो यूनिक सा टॉपिक है, बड़ा इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में मुकम्मल दास्तान बताएंगे, मुकम्मल बताएंगे हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे, क्या थे, और ये गोग एंड मोग, और जिसे हम कहते हैं कि यजूज मजूज की कौम, ये सारा कुछ कहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में के जो सूरत कहफ में आया है होली कुरान में, और इसके बारे में बाइबल में, और जो है ये और भी जो है सहीफ़ों में इनका जिक्र आया है, लेकिन इसके अंदर जो उनके बारे में बताया गया है, तो वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। तो पहली तो चीज़ ये है, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा किंग, एक बहुत बड़ा जो है एक 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 लीडर जो है माना गया, और इनको जो है मुशाबियत दी गई इनके नाम से ही, ज़ुल्करनैन जिनका जिनके नाम का मतलब है दो सिंहों वाला। और इनकी इनकी दो मुशाबियत है, एक इनकी है साइरस जो कि फारस यानी कि आज के दौर में ईरान से निकले हुए थे, जो जो फतह करते हुए जो थे बाबुल और मुख्तलिफ जगहों पे जो थे, इन्होंने यहाँ तक कि यहूदियों को आज़ादी दिलाई थी। या फिर इनका दूसरा नेम जो है ये सिकंदर आज़म, जिनको आप जानते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया को दो दो सींग जैसे कहते हैं, दो हिस्सों से तक जो है ये सिकंदर आज़म की जो थी सल्तनत थी। इस ये जो है इसके दो मौजू हमें मिलते हैं, और एक तीसरा मिलता है, वो मिलता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि उनको जो मुख्तलिफ नाम आते रहे चीज़ों की, तो हो सकता है कि ये जो है हज़रत सुलेमान की तरफ इशारा हो, जो कि उनकी पूरी दुनिया ना सिर्फ जिन इंसान बल्कि प्रिंट ड्रिंट हर चीज़ पे जो था उनको नाम पे, और उनको पूरी जो है पावरफुल जो है ये फोकियत हासिल थी। तो अब मैं आपको बताऊँ याजूज माजूज के बारे में। तो बात ये है कि कहा जाता है कि आज के दौर में जो दीवार चीन है, ये दीवार चीन ही वो चीन की जो दीवार है जिसमें कहते हैं कि एक वो हिस्सा जो है वो पूरे का पूरा जो था वहाँ पे जो एक कौम थी वो बस्ती थी, और वो दूसरी कौम से जो है वो पूरी दुनिया से जो थी वो उससे आशना नहीं थी। और यही जो दीवार चीन है इसे जो है ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बनाया, और वो इसलिए बनाया चूँकि ये जो कौम थी ये तंग करती थी, और ये आम शहरियों को आम लोगों को जो खाती थी, तंग या उनको लूट मार करती थी, उनको उन्होंने एक जंगली कौम थी, जिसकी वजह से जो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जो थे जो जो कि बादशाह थे, इनको वहाँ लोगों ने शिकायत की तो ये एंटर हुए, और इन्होंने जो है सीसा पिलाई। इन्होंने एक कहा जाता है कि एक जो आज के दौर में जो मॉडर्न किस्म की जो घर बनाए, मॉडर्न किस्म की जो चीज़ें हैं वो इसी ही एक चीज़ से ली गई, कि एक सीसा पिलाई दीवार थी, यानी कि मैं अगर आपको कहूँ कि एक स्टील की एक एक पूरी का पूरा जो है इन्होंने एक एक कहते हैं कि एक जगह थी। ये जब याजूज माजूज का इशू हुआ तो ये इतना ख़तरनाक इशू था कि जो आम शहरी थे, आम लोग थे, बहुत बुरी तरह जो थे इससे डर रहे थे, परेशान थे, और वो उनको समझ नहीं आ रहा था इनसे कैसे बचा जाए। तो ये हज़रत जो है ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है कि जिसके ज़रिए हम इनको जो है एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते, ताकि तुम्हारे इलाकों में ना तुम्हें खाए, ना तुम्हें तकलीफ दें, तुम्हारी चीज़ें ना चोरी करें, और वहशी दरिंदे ये लोग होते थे। तो कहा यह जाता है कि एक जगह पे एक ये एक जो एक स्टील को जो है ये पूरे का पूरा एलॉय जिसे हम आज के दौर में कहते हैं ये इकट्ठा किया गया उस वक्त के दौर के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक तांबे को एक पूरी तरह से चढ़ाओ, और इसको एक बॉइलिंग एक लेवल तक इसे लेके गया, और फिर इसको जो है जब वो रात को याजूज माजूज की कौम सो रही थी तो वो तांबे के जरिए उन्होंने जो है उसको ऊपर तक चढ़ा दिया, और उसके ऊपर जब इसे फिक्स किया तो सुबह जिस टाइम ये निकलते थे याजूज माजूज की कौम, तो ऊपर तब तक दीवार बन चुकी थी, वो इतनी बड़ी दीवार थी कि जितना ये कूदते जितना बड़ा इनकी, चूँकि इनके कद कहते हैं छोटे छोटे, तो जितनी इनकी हाइट थी ये उससे इतने लंबे थे कि ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। तो इसी वजह से जो था ये याजूज माजूज जो हैं ये पहुँच ना सके, और कहा जाता है कि उन्होंने फिर चाटने की कोशिश, क्योंकि ये हर चीज़ को खा जाते थे, और फिर कहते हैं कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गया। और कहा यह जाता है एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि ये आज की दौर की दीवार चीन है, जो कि उसका भी यही हमें वाक्य मिलता है कि वहाँ की कौम जो है वो जब दीवार चीन बनी तो बहुत अरसे तक जो थी पूरी दुनिया से कटी हुई थी, और फिर उसके बाद जो था
दीवारें चीन को, जब ये चीन के लोग जब इसकी एक दीवार के एक साइड से दूसरी साइड पे गए, फिर ये लोगों पूरी दुनिया से जो है इनकी मिलाप हुआ, और उसके बाद ये लोगों से मिले, जो जो याजूज वाजूज का हमें किस्सा कुरान पाक में बाइबल में मिलता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद ये कौम चीनी हो सकती है, रशियन कौम कह सकते हो, मंगोलिया की भी कौम हो सकती है, लेकिन बेस्ट हम ये समझते हैं कि दीवारें चीन की जो जो यानी कि जो ईस्ट में लोग रहते थे, इनका इनका वेस्ट में आना जो था, दीवारें चीन से इस तरफ पे आना जो है, यही ये ज़ुल्क़रनैन इस्लाम का एक अटैक मौजा था, एक बहुत बड़ा इनका काम था कि इन्होंने इसको बनाया। और इसके बाद मैं आपको इसके बारे में और भी अगर डिटेल दूँ तो कहा यह जाता है कि जब बड़े बड़े जो ये अपोलो जो है कहते हैं, जब ये चांद पे गए पहले दफ़ा, जब इंसान जो चांद पे गया तो कहा जाता है सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कुरे अर्श पे देखी तो कहते दीवार चीन ही देखी है। तो वो और ये वही चीज, तो इससे भी पता चलता है कि कुरान पाक से भी जैसे दीवार चीन का मतलब है कि एक बड़ी दीवार का जिक्र है, और जो तो वो उस वो वहाँ से भी निशानी ऊपर से भी नज़र आती है, और जब हम ज़मीनी हकायक में देखते हैं वहाँ भी निशानी नज़र आती है। तो इससे पता चलता है कि ये यही ज़्यादातर चांसेस हैं कि दीवारें चीन ही जो है ये असल जो है ये वही दीवार हो जो जो है हज़रत ये ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने जो है बनाई। और इसके अलावा ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि या तो ये साइरस थे, और एक इसके बारे में एक और भी दलील हमें जो है बाइबल में मिलता है कि हज़रत ये दानियाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें वो देखते हैं कि एक मेंढा है, और उसका एक सींग एक बहुत बड़ा है और उसके पीछे एक छोटा सा सींग है, तो और वो जिस तरफ जाता है वहाँ पे वो हमला करता है, उससे हर कोई डरता है, लेकिन एक बकरा आता है और वो इनको आके शिकस्त दे देता है, और वो उसके सींग जो है ख़त्म टूट जाते हैं और ये आपस में फिर फाइट करते हैं, और दूसरा जो है महंगा आ जाता है बकरा जीता। इसका मतलब ये था कि ये शायद साइरस की बात थी कि साइरस जब को जो है हराया जो था, ये फिर सिकंदर आजम ने हराया था, तो ये उसकी भी मिसाल हो सकती है, और यहूदियों को निजात दिलवाई थी। और उस वक्त आपको अगर बताऊँ तो ये जो सिकंदर आजम है, हमें जैसे मैंने आपको लास्ट अपने किस्से में बताया था कि फिराउन को जो था सिकंदर आजम ने जो था एट दी एंड जितने भी फिराउन को जो निजात दिलवाई थी, जितने भी फिराउन की किस्में थी यानी डेनेस्टीज थी, जो कि फिराउन एक किंगडम का नाम था, तो वो ये था सिकंदर आजम ने दिलवाई थी, तो और यहूदियों को जो निजात दिलवाई थी, तो ये भी किस्सा हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि ये साइरस के बाद या सिकंदर आजम के बाद ही का ये टाइम हो सकता है जो कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन इस्लाम का था। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, एग्जैक्टली आज तक किसी को नहीं पता चला कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन इस्लाम कौन है, लेकिन इन्होंने जो था बहुत अरसा तक जो है दीवारें चीन की या फिर याजूज माजूज की जो कौम है, कहा जाते हैं याजूज माजूज जो थे, ये जो कौम है ये हज़रत जो नूह अलैहिस्सलाम है इनके जो तीसरे बेटे थे उन्हीं की कौम से याजूज माजूज जो कौम थी आबाद हुई थी, और ये काफ़ी लोग थे, और इनमें कोई भी जो था अल्लाह को मानने वाला नहीं था। और यही कहा जाता है क़यामत वाले दिन अगर 1,000 बंदा होगा तो उसमें से जो 1,000 के बाद यानी जो अगला जो एक नंबर होगा वो एक जंती होगा, और बाकी सारे जो हैं कि जहन्नम में होंगे, और वो याजूज माजूज की कौम में से। और एक 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 और भी जो हमें हिस्ट्री में पता चलती है, वो बात ये पता चलती है कि कहा जाता है कि जब ये आदम अलैहिस्सलाम और अव्वा अलैहिस्सलाम ने जब बच्चे पैदा किए तो इनमें इनको 10 कबीलों में जो तकसीम किया, उसमें से जो 9 कबीले थे वो याजूज माजूज की कौम है, और एक कबीला जो है वो मुट्ठ की परहेजगारों का कौम थी। तो यूँ ही पूरी दुनिया फैल गई और ये फलती फूलती याजूज माजूज की कौम गई, और इसी तरह से जो है इनका पूरे का पूरा जो है, और कहा और क़यामत वाले दिन भी, एक और अगर मैं आपको क़यामत की निशानी बताऊँ तो ये कहा जाता है क़यामत वाले दिन भी अब ये जो सीसा पिलाई दीवार, अगर वो दीवार चीन है तो उसका नज़ूल हो चुका है, याजूज माजूज यानी कि गोग एंड मॉग जो है वो आके यानी चीनी, आप पूरी दुनिया में जानते हैं कि किस तरह अपने बिजनेस के ऐसे किस तरह लोगों को अपने अपने इंश्योरेंस के नाम पे अपनी अपनी बिजनेसेस के अपने ये टैके लेके ये अपनी जो लोगों के ज़मीनें मुल्कों को कैप्चर कर रहे हैं, अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका का जैसे हमन पोर्टा के साथ जो हुआ, और बांग्लादेश में जिस तरह चीन जो है ये एक तरह से आपको लगता है कि ये याजूज मजूज ही की एक कौमी की उन्हीं की औलाद में से, जिसकी वजह से इनके काम उस तरह के हैं कि ये एक अलग तरीके की लूट मार कर रहे हैं। एक तो ये हमें नज़र है, दूसरा पहलू ये कि ये अंग्रेज़ भी हो सकते हैं, गोरे हो सकते, आप जानते हैं ब्रिटिश इंडिया आए, इन्होंने इंडिया में जो था और पूरी दुनिया में जो था इन्होंने
चोरी की और इन्होंने बिजनेसेस की, आपको पता अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ें, मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ें, तो एक वो भी दलील मिलती है। एग्जैक्टली आज तक हमें नहीं पता कि ये किस एरिया को निशानदेही की गई। ये भी जो है कुरान पाक बाइबल और जो है ये यहूदियत में जो है इसका एग्जैक्टली आज तक जो है हमें सही तरह पहलू नहीं मिला, लेकिन क़यामत की निशानी में से एक है कि ये जो गोग और मोग को आखिरत में निकाला जाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतारे जाएंगे और उसके बाद जो है ये गोग और मोग को एक बीमारी आएगी और उसके बाद इनको कीड़ा लगेगा और ये ख़त्म गोग और मोग हो जाएगा और उसके बाद जो है पूरी सल्तनत जो है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो, और यूँ जो है क़यामत बरपा हो जाएगी, इस तरह की भी एक दलील मिलती है। तो ये जो था ये किस्सा था वाकियात तो ये इस वाक़े का, और इस वाक़े से जो है ये अम्बिया का जो मैंने आपको वाक़ा कहा, लेकिन एक इस वाक़े में ये है कि जो ये ज़ुल्क़र्नैन अलैहिस्सलाम इनके बारे में कहा जाता है ये पैगंबर थे और ये आदिल कोई बादशाह हो सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, ये ऐसे नहीं हो सकते किसी का जुर्म और सितम ठाने वाले हो, तो ये कोई ऐसे बादशाह हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने खुद भी इनका नाम पोशीदा रखा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका काम जो है हमारे सामने मौजूद है। और ये थी आज की हमारी वाक़ियातुल अंबियात अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़र्नैन अलैहिस्सलाम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाक़े से जो सीख मिली होगी, वो अगर सीख की मैं बात करूँ तो वो ये मिली होगी कि अल्लाह ताला की किसी भी काम के पीछे जो है कोई बहुत बड़ी एक जो है एक राज छुपा होता है जो हमें बाद में वक्त के साथ पता चलता है, तो हमें उसी बात पे यकीन करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जिन जिन लोगों को जिन जिन लोगों के नाम खुद इस दुनिया में छुपाए हैं उसके पीछे कोई राज है, और हमें इसी पे ही बिलीव करके आगे चलना चाहिए। हम सब पे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। और हज़रत ज़ुल्क़र्नैन का उम्मीद करता हूँ, एक इतने बड़े आदिल बादशाह का जो है आपको जो है ये सबक आमोज़ उनका जो है ये वाक्य लगा होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए, राय दीजिए, आपको हमारा एपिसोड 15 किस तरह का आज लगा, सॉरी एपिसोड 16 के 16 एपिसोड आज किस तरह से लगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। मेरे चैनल मोहम्मद सबरा खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पर आपके साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबका नासिर नासिर हूँ।